हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है कैसे करें हेल्प और मेरा नाम है दीपक दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है या फिर कोई सरकारी जगह है जिस पर दोस्तों किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आप उसकी शिकायत कैसे करेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए और दोस्तों जिसकी भूमि है उसको वापस मिल जाए तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो में आपको यूपी का बताऊंगा की जो है पूरा स्टेट का सभी स्टेट का एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे यूपी का बताऊंगा जो अदर स्टेट हैं उनका भी लगभग इसी तरह से उनकी भी जो पोर्टल हैं अलग अलग पोर्टल हैं तो तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ये वेबसाइट जो मैं यहाँ पे वेबसाइट दे रहा हूँ जन सुनवाई यूपी निक. इन। अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जाने के बाद दोस्तों यहां पे आप पढ़ सकते हैं भूमाफिया द्वारा सरकारी निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की शिकायत शासन प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती है ऐसे भूमाफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है दोस्तों यहाँ पढ़ सकते हैं ये पोर्टल जो बना हुआ है अब यहाँ पे आप आ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिकायत पंजीकरण यहाँ पे आपको शिकायत करना अपना और यहाँ पे सेकंड जब आप शिकायत कर देंगे तो दोस्तों करीब आपको पंद्रह दिन एक महीने तक वेट करना है आप परेशान नहीं होना है कि कार्रवाई नहीं हो या। एक महीने तक दोस्तों वेट करिए आपकी कार्रवाई जरूर होगी उसके बाद आप अगर चाहें तो दो तीन बार चार बार भी कंप्लेंट यहाँ से कर सकते हैं जिससे उनको लगे हाँ ये मतलब ज्यादा परेशान है और आपके जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए यहाँ पे दोस्तों शिकायत की स्थिति आप बाद देख सकते हैं क्या स्थिति हुई है उसकी क्या कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों पे लास्ट में में आप फीडबैक सुझाव दे सकते हैं तो चलिए यहाँ पे आपको शिकायत एवं पंजीकरण पर आपको क्लिक करना है पहले क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे या मोबाइल नंबर डालिए या ई एड्रेस अपना डालिए तो दोस्तों यहाँ पे आप ई एड्रेस हो तो डाल दीजिए क्योंकि ई एड्रेस पर जो ओ है वो जल्दी चला जाता है मैंने देखा है और जो मोबाइल नंबर पर थोड़ा टाइम लगता है तो आप कुछ भी यहाँ पे हो वो डाल दीजिए उसके बाद ये जो ये यह नंबर यहाँ पे दिया है कैप्चा ये यह कैप्चा यहाँ पे आप भर दीजिए उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट एंड जनरेट ओ पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके पास एक ओ जाएगा और नीचे यहाँ आप पे आपको ओ को भर देना है भरने के बाद दोस्तों तो दोस्तों तो देखिए मेरा ओ चला गया है यहाँ पे ओ जो है एट नाइन एट टू नाइन तो दोस्तों मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं और डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक बड़ा सा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा अब इस फॉर्म को आपको बड़े ही आसानी से यहाँ पे भरना है यहाँ पे दोस्तों अपना नाम यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पे जेंडर आपका मेल या फीमेल उसके बाद मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक ले लेगा आकर कोई दूसरा नंबर वो ले लीजिए अपना आधार कार्ड नंबर तहसील यानी कि पूरा डिटेल यहाँ पे आप भर दीजिए यहाँ पे दोस्तों पूरा एड्रेस आप जैसे डाल देंगे और यहाँ पे देखिए नीचे देखिए आप यहाँ पे एरिया अगर रूरल गाँव से हैं तो रूरल और अगर सिटी से हैं तो अर्बन यहाँ से ये सभी दोस्तों आप ध्यान से भर लीजिए किसी तरह से तो उसके बाद यहाँ पे आपको आना है नीचे एप्लीकेशन डिटेल अब यहाँ पे आपको लिखना है उसके बारे में कि आपका कौन कब्जा किया है क्या है वो सब आपको यहाँ पे एक पूरे इस बॉक्स में लिख देना है दोस्तों आपको हिंदी तो आती तो है तो हिंदी में लिखिए इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिखिए उसके बाद यहाँ पे आप दोस्तों आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो जमीन है जमीन की आप एक फोटो ले लीजिए उसकी फोटो या आपकी खतौनी वगैरह जो पुरानी अगर रखी है आपके जमीन की आप वो यहाँ पे जो है लगा सकते हैं अगर अदरवाइज अगर कोई सरकारी जगह है तो आप इसे उस सरकारी जगह की फोटो लेके लगा दीजिए कि ये देखिए कब्जा इस तरह से जो भी आप यहाँ पे वो एक फोटो खींचिए और यहाँ पे एक अपलोड कर दीजिए उसका साइज दोस्तों देखिएगा ये जो है जेपी या जेपी या पी इनमें होना चाहिए और सौ केबी फाइल साइज एलाउ केवल सौ के बी ऊपर वाली जो है पाँच सौ केबी उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आप नीचे डिक्लेरेशन दिया इस इसमें टिक लगा के सेव कर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी आपकी कार्रवाई हो जाएगी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके बाद आप बैग जा के इसका स्टेटस आप देख पाएंगे तो चलिए मैं बैग चलता हूँ और बैग जाने के बाद नीचे आप देख रहे हैं कि एक दिया है शिकायत की स्थिति जाने तो आपको यहाँ पे देखते दे, देखते रहना है कि आपकी जो शिकायत है उस पर क्या क्या, क्या, क्या कार्रवाई हुई है दोस्तों तो मैंने अभी कोई शिकायत सबमिट नहीं की है इसलिए नहीं दिखा रहा आपको यहाँ पर दिखाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप किसी की भी किसी ने कब्जा किया है तो उसकी शिकायत कर सकते हो बड़ी आसानी से उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझे और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें उसके साथ अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को ये बिल्कुल फ्री होता है जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक ख्याल रखिए टेक केयर बाय